गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनय सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री सीरीज का अगला वीडियो। केमिस्ट्री के कोलाइडी विलयन वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और ये उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप कोलाइडी विलयन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को करके देख सकते हैं, शायद आप कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छोड़ें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो ये पसंद आए आपको तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखो इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपके लिए लिखे हैं जो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। भाई मैन के बारे में बात करता हूं और आप वीडियो को रोककर एक सेकंड के लिए इन क्वेश्चन को करके देखें और नहीं तो पिछली वीडियो को ध्यान से पढ़ें, आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाएंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। भाई इस वीडियो को देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, देखो आपको अगर कोई शब्द नहीं चमक रहा हो तो मैं बोलूंगा, आप लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धनात्मक सॉल्व का स्कंदन करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी पदार्थ कौन सा है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी भाई, सॉल्व दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और उनका स्कंदन क्या होता है, जब कोई वैद्युत अपघट्य उसमें डाल देते हैं तो कोलाइडी कण एक साथ संयुक्त होकर विलयन की तली में बैठ जाते हैं। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ कितना ज्यादा प्रभावी होगा, इसके संबंध में हार्डी और सुलसे ने बताया था। क्या बताया था, अगर सोल धनात्मक है तो उसका स्कंदन कौन से कण करेंगे, ऋणात्मक। ऋणावेश नेगेटिव कण करेंगे, तो हम देख लेते हैं। देखो प्लस वालों से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, इसमें सल्फेट आयन माइनस के दो आवेश होंगे, क्लोराइड माइनस का बन होगा, हाइड्रोक्साइड माइनस का बन होगा भाई, और ये फेरोसाइनेट आयन है, इस पर माइनस के चार आवेश होते हैं। देखो के पर प्लस का बन और चार अगर प्लस के हो जाएंगे तो चार ही माइनस के आएंगे। ये लबड़ों वाले विलयन में, लबड़ों वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी लबड़ तभी बनता है जब प्लस और माइनस के बराबर आवेश हो। एक पोटेशियम पर प्लस का एक होता है, पोटेशियम के कितने हैं, चार, तो चार प्लस के हो गए, इसका मतलब क्या है, इस पूरे आयन पर माइनस के चार होंगे। तो आप देख पा रहे हैं धनावेशित सॉल्व को स्कंदित करने के लिए माइनस वाले कण प्रभावी हैं और जिस पर सबसे ज्यादा आवेश होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। यही पढ़ा हमने, तो सबसे ज्यादा आवेश किस पर है, इस पर, यानी कि कौन सा आंसर ठीक होगा, हमारा चौथे नंबर का आंसर। क्लियर है भाई। नीचे वाला देखते हैं, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम में कण होते हैं परिक्षेप्त प्रवास्था के, वो क्या करते हैं भाई, मोशन करते हैं और जिगजैग मोशन करते हैं, उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनी गति। तो होती क्यों है, तो इसे पढ़ेंगे। देखो ध्यान से आप कर पाएंगे, कारण हमने वीडियो में नहीं पढ़ा था, तो वैसे आप देख भी सकते हैं। द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, क्या कोई भी द्रव अपने आप अपने ताप को कम ज्यादा कर सकता है क्या, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर आप रखते हैं भाई, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है। ये तो कोई भी द्रव अपने आप अपने टेम्परेचर को कम और ज्यादा नहीं करता है, सही है। अगला देखेंगे, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि केवल प्रतिकर्षण होगा उसमें, केवल क्या होगा, प्रतिकर्षण। सभी कण एक जैसे आवेश के होते हैं, पिछले में हमने बात की थी भाई, तो ये भी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला, जो परिक्षेपण माध्यम के अणु हैं उनका कोलाइडी कणों पर संघात। हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की प्रवास्था होती है, एक तो परिक्षेपण माध्यम जिसमें आणविक अवस्था में कण होते हैं और दूसरे परिक्षिप्त प्रवास्था। तो परिक्षिप्त प्रवास्था में कोलाइडी कण होते हैं। तो अगला है, देखो ये सही हो सकता है, इससे पहले नीचे वाला देख लेते हैं, कणों का आकार। तो कणों का आकार इसमें कोई भी रोल नहीं निभाता है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा और सही कौन सा हो गया आपका, सी नंबर। अगला है, देखो अगर इसके ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हो तो मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना भाई। आपसे पूछा है जो आइसक्रीम का निर्माण हम करते हैं उसमें जिलेटिन का यूज क्यों किया जाता है। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे भाई कि जब सॉल का स्कंदन होता है तो स्कंदन से रोकने के लिए उसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं, तो वो द्रव स्नेही कोलाइड क्या करता है, स्कंदन को रोक देता है और उस द्रव स्नेही कोलाइड की जितनी मात्रा की आवश्यक होती है या जितनी मात्रा उसमें हम रोकने के उस लिए उसे डालते हैं उसे क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। और सबसे आप नोट करके लिख लें,
सबसे अच्छा स्वर्णांक कौन सा बताया था? जिलेटिन। और सबसे खराब स्वर्णांक होता है, सबसे खराब जो रक्षी कोलाइड होता है जिसका स्वर्णांक होता है आपका, वो होता है स्टार्च। स्टार्च का स्वर्णांक सबसे ज्यादा, इसीलिए वो सबसे खराब होता है, और जिलेटिन का स्वर्णांक सबसे कम, इसीलिए वो सबसे अच्छा। तो क्यों मिलाया जाता है जिलेटिन, वही पूछा है। तो स्कंदन को रोकने के लिए बिल्कुल डायरेक्ट हमने पढ़ा था, आप देख सकते हैं ऑप्शन। सबसे पहला है विकल्प कि इससे स्वाद अच्छा हो जाता है, यानी कि जिलेटिन के डालने से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है। तो स्वाद से, टेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है इसका, ये बात आप याद रखें। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। दूसरा है जिलेटिन बर्फ के कणों को बांधे रखती है। तो जिलेटिन बर्फ के कणों को बांधे रखती है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है हमारा। अगला है जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन, बर्फ के कणों की स्कंदन से रक्षा करती है। तो देखो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्लियर है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बताया देखो कहां तक आपसे पूछ सकता है। सारे आए हुए हैं, एक न्यूमेरिकल पहला वाला देखो एनडीए में आया हुआ है, ये सीडीएस का है, और ये यूपी ट्रिपल एससी का है आपका। तो देख सकते हैं देखो ये तीनों ऑप्शन। तो आगे ये टेबल जो बनाइए इसके बारे में देखो मैं आपको बताता हूं भाई, और इसी से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं देखो बहुत सारे। किस प्रकार से, देखो आप एक हेडिंग लिखें, वास्तव में ये है क्या, ये है कोलाइडी बिलियन के प्रकार। आप एक हेडिंग लिखें कोलाइडी बिलियन के प्रकार, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अब कोलाइडी बिलियन के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, सही है। और ये किसके आधार पर, आप देखें देखो जो कोलाइडी बिलियन होता है, देखो शायद मैं नहीं दिख रहा हूं तो लिखा हुआ आपको चमक रहा होगा भाई अच्छी तरह से। जो कोलाइडी बिलियन होता है वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। यही दो पढ़े हुए हमने, कोई भी कोलाइडी बिलियन दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं, और परिक्षेपण, सॉरी, जो कोलाइडी कण होते हैं, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। अब आपको याद रखना है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव अवस्था में भी हो सकती है और गैसीय अवस्था में भी हो सकती है और सॉलिड अवस्था, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था या कोलाइडी कण, कोलाइडी जो कण होते हैं वो द्रव की अवस्था में भी हो सकते हैं, गैस की अवस्था में भी हो सकते हैं और सॉलिड अवस्था में भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। और बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी तीनों प्रकार के हो सकते हैं। परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसमें कोलाइडी कण घोले जाते हैं, वो द्रव भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है और वो सॉलिड भी। तो इस प्रकार से परिक्षिप्त प्रावस्था की भी तीनों अवस्थाएं, तीनों भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं, और परिक्षेपण माध्यम की भी तीनों भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं, आपको याद रखना है। और इस प्रकार से द्रव को द्रव में मिलाकर भी कोलाइडी बिलियन बनता है, द्रव को गैस में मिलाकर भी कोलाइडी बिलियन बनता है, और द्रव को सॉलिड में भी मिलाकर कोलाइडी बिलियन बनता है। तो तीन प्रकार के ये हो गए भाई। और इसी प्रकार से गैस को द्रव में मिलाएंगे तब एक कोलाइडी बिलियन बनेगा, गैस को गैस में मिलाएंगे और गैस को सॉलिड में मिलाएंगे, तीन बिलियन ये हो गए, तो टोटल छह प्रकार के। इसी प्रकार से जब सॉलिड को द्रव में मिलाएंगे, सॉलिड को गैस में मिलाएंगे और सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तब एक कोलाइड, तीन कोलाइडी बिलियन बनेंगे, यानी कि टोटल कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं आपको, नौ प्रकार के। लेकिन आपको याद रखना है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी बिलियन के हम जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो मुख्यतः आठ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के। इसमें जो गैस का गैस में है, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, गैस, वो कोलाइडी बिलियन नहीं होता है, वो कोलाइडी बिलियन नहीं होता है। तो याद रखेंगे दोनों गैसीय अवस्था में नहीं होंगे, अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो वास्तविक बिलियन होगा। कैसा होगा भाई, वास्तविक बिलियन। आप याद रखेंगे ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू
सॉल्यूशन होता है, तो आप याद रखेंगे गैस का, गैस में कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बन सकता है, हमेशा कौन सा विलयन होगा, वास्तविक विलयन होगा। तो इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे होंगे, हमें कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के पढ़ने हैं, 8। और इसके बाद एक लाइन और समझनी है आपको कि प्रत्येक प्रकार के कोलाइडी विलयन का एक स्पेशल नाम होता है। जैसे द्रव का द्रव में, अगर द्रव का द्रव में हम कोलाइडी विलयन देखें तो उसका भी एक स्पेशल नाम है, द्रव का ठोस में तो उसका भी एक स्पेशल नाम है। एक दो के बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर आप में से जिस स्टूडेंट ने भी पिछली वीडियो देखी है उसमें हमने एक एग्जांपल इसका पढ़ा है कि अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त प्रवाहकता ठोस हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बनेगा, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रवाहकता सॉलिड, तो इसे सॉल कहते हैं। और पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है भाई। तो सॉल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, सॉल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। आप याद रखेंगे ये कब बनता है, जब आप ठोस द्रव को, द्रव में किसी ठोस को घोलें। जैसे अगर द्रव मतलब परिक्षेपण माध्यम हमने क्या ले लिया, जल, और सल्फर के साथ इसका विलयन बना रहे हैं। सल्फर कैसा होता है भाई, जो सल्फर होता है, सल्फर कैसा होता है, सॉलिड। तो देखेंगे, देखो तो सॉलिड का लिक्विड में हम विलयन बना रहे हैं, तो ये बनता है सल्फर सॉल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सल्फर सॉल। तो इसका मतलब क्या हो गया, सल्फर सॉल का मतलब हो गया सल्फर का कोलाइडी विलयन। तो इस लाइन को आप याद कर पाए, मतलब समझ पा रहे होंगे। और आपको एक बात और याद रखनी है, अगर इसमें परिक्षेपण माध्यम को जल के रूप में लेते हैं, अगर परिक्षेपण माध्यम को जल के रूप में लेते हैं तो उसका नाम होता है हाइड्रोसॉल। क्या कहकर पुकारते हैं, हाइड्रो, हाइड्रो लगाते हैं जल के लिए और सॉल लगाते हैं कोलाइडी विलयन, यानी कि जिस कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम कैसा लिया हो, हाइड्रो मतलब जल। तो हाइड्रोसॉल अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षेपण माध्यम किसके रूप में लिया गया है, द्रव के रूप में। तो ये लाइन क्लियर हो पाई होगी। अब इसी प्रकार से आपने दूध के बारे में पढ़ा होगा भाई, दूध को आप पायस के रूप में कहते हैं, तो पायस कुछ और नहीं होता, पायस का मतलब होता है एक कोलाइडी विलयन। तो ये कब बनता है, जब परिक्षेप्त प्रवाहकता और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों द्रव हो, जब द्रव परिक्षेप्त प्रवाहकता हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, द्रव, तो इसके फलस्वरूप जो कोलाइडी विलयन बनेगा, इसके फलस्वरूप जो कोलाइडी विलयन बनेगा वो कोलाइडी विलयन आपका कहलाता है पायस। क्या कहलाता है भाई, पायस। तो पायस कुछ और नहीं होता, वास्तव में क्या होता है, एक कोलाइडी विलयन होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रवाहकता द्रव में परिक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम द्रव में परिक्षिप्त प्रवाहकता उपस्थित होती है, और दूध इसी का एग्जाम्पल है। एक होता है पायसीकृत तेल, पायसीकृत, देखो ये थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने लिखा है, बोर्ड पर आ जाए, मैं हर एक चीज को बोलकर बताऊंगा। आपको अगर कोई चीज नहीं चमक रही है या छोटा लिखा हुआ चमक रहा है तो आप उसे नोट कर लेना, ऐड कर लेना जो नहीं चमक रहा, हर एक शब्द को बोलकर समझाऊंगा मैं, क्लियर है भाई। तो देखो पायसीकृत तेल, तो पायसीकृत तेल कैसे बनता है, जल में तेल मिला दिया जाता है। तो आप देखते हैं, देखो जल भी द्रव होगा और तेल भी क्या होगा, द्रव। तो इस प्रकार से जो पायसीकृत तेल है वो भी एक पायस का उदाहरण है, और दूध भी किसका उदाहरण है भाई, एक प्रकार के पायस का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से सारे प्रकार के कोलाइडी, 8 के 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन हमने यहां पर लिए हैं भाई। ये पहले प्रकार का है, ये दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, ये चौथे प्रकार का, पांचवें प्रकार का, छठवें प्रकार का, सातवें प्रकार का, और ये आठवें प्रकार का। तो 8 के 8 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, और इससे जनरली बहुत कुछ नहीं आता, डायरेक्ट आपको दे देता है भाई और आपसे पूछता है ये किस प्रकार का विलयन होगा। जैसे दूध आपसे पूछ लेगा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, पायस। जैसे आपसे पूछ लेगा भाई, और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मिश्र धातु ठोस सॉल होते हैं ये,
आप देखते हैं, देखो एक एक करके सारे प्रकार, आठ के आठों प्रकार। यहां पर हमने परिक्षिप्त प्रावस्था को लिया है और फिर लिया है परिक्षेपण माध्यम। यानी कि अगर सबसे पहला वाला पढ़ लें, देखो अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, और परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या है, कोलाइडी कण। क्या है? कोलाइडी कण। अगर कोलाइडी कण किस अवस्था में हो, गैस, और इनका आकार कितना होने वाला है भाई, 50 एंग्स्ट्रॉम से 2000 एंग्स्ट्रॉम के मध्य। हमें परिक्षेपण माध्यम से मतलब नहीं है, उनके कणों के आकार से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं परिक्षेपण माध्यम के कण आणविक अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? आणविक, यानी कि अणु के रूप में होते हैं। और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो सिंगल परमाणविक रूप में, आणविक रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है। तो अगर कोलाइडी कण गैस हैं और उन्हें किस में घोला जा रहा है, द्रव में, उन्हें किस में घोला जा रहा है, द्रव में, तब जो आपका कोलाइडी विलयन बनेगा उसे आप फैन कहेंगे। फैन को हिंदी में कहते हैं झाग, या फिर फॉर्म भी कह सकते हैं इसे। तो फैन या फॉर्म कब बनता है, जब गैस कोलाइडी आकार के कण द्रव में घुले हों। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जो साबुन के झाग बनते हैं, जो फैनेट क्रीम होती है फैन के रूप में, झाग वाली फॉर्म से जिससे सेविंग कराते हैं भाई, उस वाली क्रीम की बात हो रही है। और ये भी सेविंग क्रीम है, फैन, ये सब उसी प्रकार के एग्जाम्पल है। आपने देखा है, देखो बुलबुला कब बनता है भाई, जो बबूला बनता है पानी में, वो कब, जब पानी के अंदर गैस भर जाती है, वायु भर जाती है, तभी तो बनता है। तो बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है ये। गैस कोलाइडी कण अगर किसके अंदर भर जाए, द्रव के, तो ये सारी अवस्था आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं कि अभी भी कण कैसे रहे भाई, कोलाइडी कण कैसे रहे गैस, अब उसे द्रव की जगह आपने किसमें घोल दिया, अब किसमें मिलाया है, ठोस में। तो देखते हैं जब इसे ठोस में मिलाएंगे, तो पहले फॉर्म कहला रहा था, अब ठोस में घोलोगे तो ठोस फॉर्म कहलाएगा। बस आपको बहुत चीजें रटनी नहीं भाई। जब आप गैस कोलाइडी अवस्था किसमें घोलोगे, द्रव में, तो फॉर्म बनेगा, और जब ठोस में घोलोगे तो ठोस फॉर्म बनेगा। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, झाबा पत्थर, जो फॉर्म रबर होती है, आपने गद्दे देखे, गद्दे, तो गद्दे वो पिचके हुए कैसे होते हैं, उसमें जो रबर होती है, रबर के अंदर वायु भरी होती है और कोलाइडी कणों की होती है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। फॉर्म वाले गद्दे वद्दे जो होते हैं वो सब यही होते हैं। रबर, जो स्टायरीन रबर होती है या स्टायरीन फॉर्म होती है। झावा पत्थर एक प्रकार का पदार्थ होता है जो द्रव को या गैस को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, जैसे रुई होती है भाई, दबा सकते हैं उसे, तो ऐसा ही सॉलिड स्टेट में होता है ये, आप थोड़ा सा याद रखें इस बात को। तो जो फॉर्म या रबड़ होते हैं वो ठोस फॉर्म का, जबकि झाग किसके होते हैं, फॉर्म के एग्जाम्पल होते हैं। तो बस गैस वाला, क्योंकि एक गैस को गैस में घोलेंगे तो हमारा कौन सा विलयन बनने वाला था वास्तविक, उसे हमने छोड़ दिया। अब परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि कोलाइडी कण किस प्रकार के लेंगे, द्रव प्रकार के, और तीनों अवस्थाओं में घोलेंगे, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में, द्रव को ठोस में। सबसे पहले द्रव को गैस में देखते हैं। जब द्रव कोलाइडी कण गैस में घोले जाते हैं तब उसे द्रव एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव एरोसोल। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको क्लाउड में देखने को मिलता है, फॉग में, कुहासा में, मिस्ट और धुंध। देखो इसे मैं आपको समझाता हूं, जो कोलाइडी कण है वो द्रव के रूप में है, मतलब जो आपकी जलवाष्प होती है, ये जलवाष्प की बात कर रहे हैं अभी। जलवाष्प क्या है? द्रव के रूप में है। तो याद रखना, जो जलवाष्प होती है, जब मॉइस्ट होती है तब की बात हो रही है, वैसे तो भाप के रूप में होती है तो गैस है भाई। जब ये मॉइस्ट होती है, संघनित होती है, कंडेंसेट होती है, तब ये द्रव में आ जाती है। और वायु में क्या है? गैस के कण हैं, और गैस के कणों के ऊपर ये संघनित हो जाती है, तब जो बनता है उसी को बादल कहते हैं। ज्योग्राफी उसे, फिजिक्स में हम बादल बनने की प्रक्रिया पूरी पढ़ेंगे। और कोहरा भी कुछ इसी प्रकार का होता है, नमी युक्त होता है भाई। क्यों? क्योंकि द्रव कोलाइडी कण किस में होते हैं? गैस में। उड़ता हुआ दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वो गैस के कारण। आप इतना याद रख लें। अगला देखो, अगर द्रव को द्रव में, तो ये वाला तो अभी पढ़ी लिया हमने, द्रव को द्रव में अगर घोलेंगे तो क्या बनेगा? पायस जैसे दूध और पायसीकृत तेल। अगर द्रव को ठोस में घोलेंगे तो ये वाली कंडीशन आ गई। देखो, गैस को गैस में फॉर्म, गैस को ठोस में ठोस फॉर्म। अब बिल्कुल उसी प्रकार से द्रव को द्रव में घोल रहे थे तो पायस,
अगर द्रव को ठोस में घोलेंगे तो ठोस पायस, और ठोस पायस का एक नाम और है जेल। जेल जेली वाले जेल जो होते हैं भाई, तो वही। तो जेल कब बनता है, जब द्रव को ठोस में घोलते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, पूछे जा चुके हैं। जो पनीर होता है, आइसक्रीम होती है, और जो मक्खन होता है, जो मक्खन नहीं लिखा भाई इसमें, मक्खन हो गया आपका, पनीर हो गया, आइसक्रीम हो गई, जेल जेली हो गई, वो सब किसके हैं, पायस के ही एग्जाम्पल है। लेकिन कौन सा पायस, ठोस पायस, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है, जेल के नाम से भी पुकारा जाता है, आप याद रख सकते हैं। ये तीनों हमने पढ़ लिए। अब देखो कोलाइडी कणों को किसके रूप में ले रहे हैं, हम ठोस के रूप में, एक बार गैस में घोलेंगे, एक बार द्रव में और एक बार ठोस में। तो जब ठोस को किस में घोलते हैं आप, गैस में, तो ये कहलाता है ठोस एरोसोल। ठोस लिया है भाई तो क्या कहलाएगा, ठोस एरोसोल। जैसे धुआं और धूल भरी आंधी, आप देख सकते हैं जब वायुमंडल में धूल के कण उड़ते हैं तो वायुमंडल में वायु हो गई कैसी, गैस। वायुमंडल में वायु कैसी हो गई, गैस, और धूल के कण कैसे हो गए, ठोस। तो जब ठोस धूल के कण किस में जाते हैं, वायुमंडल में, तभी तो धूल भरी वायु चलती है भाई, या उसी को तो धुआं कहते हैं। धुआं तब बनता है जब कार्बन के कण आ जाते हैं, तो कार्बन के कण भी ठोस होते हैं। अगर इनका आकार कोलाइडी अवस्था का हो तो ये स्थिति होती है। ये क्लियर हो रहा होगा, ये तीन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक तो ठोस एरोसोल, एक ठोस पायस और एक पायस, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। ये चारों याद कर लें, बाकी के आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं। और सोल अभी हमने बात करी, यदि द्रव में क्या घोल दिया जाए, ठोस, तो जितने भी पीछे हमने बिलियन पढ़े थे, जैसे मैंने आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड बताया था, फेरिक ऑक्साइड बताया था, स्टेनिक ऑक्साइड बताया था, आर्सेनियस सल्फाइड, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल, जितने भी सोल हमने पढ़े थे वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और दो और याद रख लेना, जो पेंट होता है, पेंट दीवारों पर करने वाला, और जो सिहाई होती है, सिहाई जिससे पेन चलता था भाई, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉल के ही एग्जाम्पल हैं। अब तो आप समझ पा रहे हैं सॉल क्या होता है, एक प्रकार का कोलाइड बिलियन है जिसमें द्रव में ठोस को घोला जाता है। क्लियर है, अब अगला देख ले है। ठोस सॉल तो कुछ भी नहीं है भाई इसमें, बस द्रव के स्थान पर ठोस हो गया, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ठोस सॉल के नाम से। और जितनी भी ठोस चीजें देखेंगे वो सब इसी की एग्जाम्पल है। जैसे मिश्र धातु याद रख लेना किसका एग्जाम्पल है, ठोस सॉल का एग्जाम्पल है। जैसे मोती हो गया, रूबी मोती हो गया, या कांच हो गया, दूध या पत्थर हो गया, तो सब ये उसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं, आप याद रख सकते हैं। मोती पल्स, जो पल जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, सॉल का, लेकिन कैसा सॉल, ठोस। क्लियर है भाई, तो बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ये मानता हूँ भाई कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छोड़ने वाले। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके बताएं भाई कि आप कितने स्टूडेंट को शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।